जय माता दी। यस सर, अभी आपने लकी का ट्रेलर देखा, आपको गाना भी देखा, कुछ याद आया फ्लैशबैक में गए, क्योंकि जो कोपचा सॉन्ग है उसने आपको कुछ याद दिला दिया होगा। 25 फेब को मुझे लगता है कि हिम्मत वाला को 36th ईयर होने वाला है। अगर ये गाने के स्टेप्स उस वक्त देखे होते, आई वुड हैव बीन मच बेटर डांसर। एनीवे, आप सबको मेरा जितेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मेरा गला बैठा हुआ इसलिए मैं वैसे भी कोई गाने वाला नहीं हूँ, पर मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ। कहते हैं हमारे ज़माने में नहीं था इतना, पर लेकिन आजकल ये कहते हैं कि आपका ट्रेलर देखकर आपकी पिक्चर को ओपनिंग लग सकती है, बिकॉज द बज इज क्रिएटेड विद द ट्रेलर। और इस ट्रेलर को देखकर मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ, इट इज गोइंग टू हैव अ बम्पर ओपनिंग। वो कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, कमिंग इवेंट कास्ट द शेडोज बिफोर, दैट इज वाई दिस ट्रेलर इज स्पीकिंग अबाउट द इवेंट्स विच आर गोइंग टू कम। इट इज गोइंग टू बी अ बम्पर सुपर डुपर हिट। एंड मेरी तह दिल से दुआ है, ये जो बच्चा है हमारा जिसने पिक्चर प्रोड्यूस किया है, ये शोभा मेरी बीवी को और मुझे माँ बाप जैसे ट्रीट करता है, जेन्युइनली ट्रीट करता वैसे ही। और मेरी बहुत दुआ है कि मालिक इसको इतनी तरक्की दे, बिकॉज ये बहुत काबिल इंसान है, ही जेन्युइनली डिजर्व्स इट, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जय माता दी। सर, लेकिन कोपचा गाना देखने के बाद आपको याद आई जरा हिम्मत वाला का वो गाना, उसके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे? कौन सा? अभी ये कोपचा गाना प्ले हुआ था, हिम्मत वाला का आपका। हाँ नहीं, ये तो तूफान है दोनों। वो आपका डायलॉग भी है ना, उसको क्या मिली, मेरे को तूफान मिला। काय असं काय? अगदी असंच आहे। आणि सर, तुम्ही सामान मिळालं मला, तूफान मिळालं, ये पिक्चर भी तूफान है, और दोनों ने खूप तूफान मचाया। I think you all are going to make it big way. God bless you. Thank you, दादा. Thank you so much. Please have a seat. इसके बाद मैं invite करना चाहूँगी कि जिन्होंने pop को Indian cinema में लाया, हमें रूबरूप कराया pop music के साथ, disco king Bappi दा को मैं stage पे invite करना चाहूँगी। जीतू भाई मेरा बड़े भाई है, हम लोग को कॉम्बिनेशन आज का एक जुबली होता है तो सरफिरा हो जाता है। हम लोग को हाईएस्ट रिकॉर्ड है, 12 पिक्चर एक ईयर में जुबली हुआ, तो अनगणित जुबली विद जितेंद्र एंड बापी लहरी। बट ये पिक्चर जो है देखा आज लाकी, ये मैं दावा से बोल सकता हूँ, मिस्टर संजय यादव जी जो डायरेक्शन दिया, जिस ढंग से पेश किया पिक्चर को, बस जैसे भाई ने बोला, मॉर्निंग शोज द डे। छोटा सा जो ट्रेलर है वही मालूम है सुपर हिट होने वाला है, सुपर हिट, इट्स आउटस्टैंडिंग। टोटल आज का जो जनरेशन का पिक्चर है, और थैंक्स टू हीरो अभय, हीरोइन दीप्ति जी, करेक्ट दीप्ति जी है, बहुत अच्छा काम किया आप लोग दोनों, एक्सीलेंट वर्क। एंड अमित राज जिन्होंने गाना बनाया, धन्यवाद देना चाहता हूँ, आउटस्टैंडिंग सॉन्ग। उसका जो रिदिम है, देखिए फ्लेवर वही हो सकता है, प्यार का तोहफा तेरा, ताकि, बट क्या है देखिए, उसको लेके आना नया स्टाइल में, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो रिमिक्स ही चल रहे हैं, लेकिन उसका ये गाना जो है फ्रेश सॉन्ग है,
कोपचा जो गाना है ये फ्रेश सॉन्ग लगता है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है अमित शाह को एंड संजय जी आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर बोलने का हो जाए नहीं इतना बड़े 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 सुपरहिट पिक्चर दिया है और मेरा एक ही दुआ है ये पिक्चर भी सुपरहिट हो बिकॉज मैं एक और एक बात कहूँगा दिस ईयर इज माई 50 years इज रनिंग My first film was released, Bengali film, 1969. I'm so much happy जो आज महाराष्ट्र का धरती को मैं प्रणाम करता हूँ इसलिए मैं बंगाल से आया था लेकिन आज जो भी कुछ हूँ बप्पी लहरी ये महाराष्ट्र का धरती का आशीर्वाद है इज एवरीथिंग ब्लेसिंग ऑफ जय गणपति बाबा मेरा गले में है गणेश जी मेरा गले में है सिद्धि विनायक है तो बस मेरा इतना अच्छा लग रहा है जो आज 50 years का जर्नी शुरू हो रहा है ये गाने से मीन्स ये महाराष्ट्रियन पिक्चर मराठी पिक्चर से मैं किया है तो कहलाता आप नहीं बट इस ईयर में ये पिक्चर का शुरुआत हो रहा है एंड पिक्चर बिकम सुपर हिट संजय जी थैंक यू वेरी मच एंड सूरी साहब संजय सूरी जी प्रोड्यूसर आउटस्टैंडिंग पिक्चर बनाए आप लोग धन्यवाद सबको और वैशाली जिन्होंने बहुत अच्छी गाई है बहुत अच्छी आई एम सो मच हैप्पी बिकॉज इनका ही पिक्चर था उलाला जो श्रेया घोषाल मैंने गाया था बट वैशाली यू हैव सैंग वेरी वेल बहुत सुंदर गाई है तुमने गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच बपीदा बपीदा यहाँ पे जितने भी ऑडियंस है वो सब लोग सुनना चाहते हैं बपीदा की तरफ से कुछ खास ये गाना नहीं के ऐसे आप कोई भी गाना हमारे माहौल में वो फील आएगा कि यस बपीदा के साथ हम हैं हम भी थोड़ी थिरकेंगे अभी इतना सारा गाना है सब आपका कोई फेवरेट वाला चलो मैं परसों रिलीज हो रहा है वो पिक्चर का जो गाने का रिमिक्स हुआ वो गाना सुना रहा हूँ चाहती हूँ जितेंद्र सर को स्टेज पे क्योंकि जीतूजा आप यहाँ पे स्टेज पे आने के बाद एक चीज जो है वो थोड़ी सी मिस हो गई है तो हम वो पूरी कर लेते हैं जितेंद्र सर मैं आपको बुलाना चाहूंगी स्टेज पे एंड ऑफ कोर्स जिनकी पहचान ही है हमें हसाना और ये पिक्चर के साथ वो कुछ ज्यादा कनेक्ट करेंगे ऐसे हमारे फेवरेट बॉलीवुड के तुषार कपूर सर मुझे इतना नहीं जमा लेकिन स्टिल सर प्लीज स्टेज पे आ जाइए We'll be right back.
अभी भी जाऊं कि जाके बैठूं सूरज कि फिर बुलाएगा? अभी तेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नहीं सर प्लीज, यहाँ पे अभी कुछ खास होने वाला है इसलिए मैंने आपको कहा था। तुषार जी, आपने इसका ट्रेलर देखा, कुछ रिलेट किया, कुछ याद आया आपकी फिल्म का कुछ किस्सा? मुझे तो ये फिल्म मेरी होम प्रोडक्शन ही लग रही है। लॉट्स ऑफ रीजंस, ऑफ कोर्स पहला रीजन ये है कि सूरज इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स जिन्होंने हमारे इतने सारे होम प्रोडक्शंस को, मतलब ही इज ऑलमोस्ट मेड देम। ही वाज वर्किंग इन अ वे इन कंडीशंस जो मतलब बहुत कम लोग काम खत्म कर पाते हैं, और उन्होंने इतना काम किया हमारे साथ 16 साल तक। ही इज पार्ट ऑफ द फैमिली, सो दिस इज लाइक अ होम प्रोडक्शन। संजय जी हैज डायरेक्ट हैज डन द सिनेमेटोग्राफी फॉर सी कंपनी, and that was a film that was very close to me, directed by Sachin Yadi, so he's also been part of our home productions. Of course jo dad ko tribute diya hai aap sab ne is film mein, that makes it even closer to home. And lastly but not the least, ye jo title hai lucky, ye mere liye bahut lucky raha hai because sare golmaal series mein mera naam lucky hi tha. So I don't need to say much about what should happen with this movie. I hope what happened with Golmaal and what happened with Kya Kooliyam, because it looks a lot like Kya Kooliyam, I think double of that should happen with Lucky for all these reasons and many many more. Of course the content will speak for itself, jo trailer se nazar aa raha hai bahut badhiya content hai, and it's so glamorous, the trailer, it's so energetic and fast paced. I think the movie is going to be a riot, like dad said, bumper opening the guaranteed hai. But I think the content is also going to make the movie work even more. That's what the trailer says. Thank you so much. आपने मराठी में आने के बारे में कुछ सोचा है? मराठी ऑडियंस लकी है, आपको देख सकती है मराठी फिल्म्स में? 100% अगर कोई ऐसी मतलब स्क्रिप्ट आती है जो मुझे लगता है कि मतलब मैं जो मराठी ऑडियंस है उनको मतलब जस्टिस कर पाऊंगा अपने एक्टिंग से, तो आई विल डेफिनेटली डू, बट इट हैज टू बी अ गुड स्क्रिप्ट क्योंकि इट्स अ ह्यूज मार्केट एंड पूरा देश मराठी फिल्में देख रहा है आज, सो इट हैज टू बी स्पेशल. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. मी आता फोटो सेशनसाठी सगळ्या लकी टीमला इन्व्हाइट करणार आहे स्टेजवरती, त्यांनी यावं, कारण की ट्रेलर तर तुम्ही पाहिलेलंच आहे पण आता फोटो सेशन होणार आहे. सो आय वुड लाईक टू इन्व्हाइट ऑल द लकी स्टार. मी माझ्या लकी स्टारकास्टला परत एकदा बोलतो, अभय महाजन, दीप्ती सती, शुभांगी तांबोळी.
because I work with Lata Mangeshkar ji, Asha Bhosle, Usha Mangeshkar, both picture. And Asha Bhosle, she sang more than a R.D. Barman with Bappi Lahiri. But I can't speak, but I can't sing, because देखिए संगीत का कोई भाषा नहीं होता है, संगीत का कोई भाषा नहीं होता है, किस टाइप का क्या मूड का गाना है, जैसा हमको बोला जीतू भाई को ट्रिब्यूट करना है, श्रीदेवी को ट्रिब्यूट करना है, तो मैं समझ गया स्टाइल का गाना, अमित ने बहुत अच्छा गाना बनाया, अमित राज ने, वेरी गुड, एंड वैशाली, आई डेफिनेटली आई गिव टू 100 मार्क्स टू वैशाली सामंत, शी सैंग सो वेल, एंड बस मेरा हिसाब से गाना सबको पसंद आ रहा है और भी आएगा और पिक्चर जब तक रिलीज होगा गाना सॉन्ग एकदम कमाल आपके प्रोनाउंसिएशंस रहे ये गाना हम सबने सुना बहुत अच्छी मराठी लगी सुनने में थैंक यू थैंक यू दो लाइनें मराठी में कि ये पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए कैसे था दे दे मतलब कागज दे मैं सुना देता हूं अमित कागज दे अमित मराठी का मैं देख के गा रहा हूं सॉरी naughty wali feeling ali dhoga eka ceiling khali hotoy dilla modhe thora thora locha shodhu jara kopcha shodhu jara kopcha shodhu jara kopcha संजय यादव जी आउटस्टैंडिंग बेस्ट डायरेक्टर सो मेनी हिट्स जब हमको पूरा स्टोरी बोला जो ये स्टोरी में हम लोग ट्रिब्यूट करना चाहता है तो एक तो फीलिंग हुआ ही जितेंद्र सिंह आपको मैं पहले बताया जो हम लोग को रिकॉर्ड है 12 पिक्चर एक साल में जुबली हुआ था जितेंद्र श्रीदेवी जया प्रथा तो सचमुच ये गाना सुन के बहुत कुछ यादें आ रहे थे देखने के बाद और यादें आ गया जैसा ताकि ताकि एक आंख मारू तो पर्दा हट जाए जैसा गोड़ी तेरे अंग अंग में नैनो में सपना कितना गाना क्या मैं बताऊं सभी सभी सुपरहिट गाना है बप्पी तो जैसे कि कहा आपने कि श्रीदेवी को ट्रिब्यूट किया गया ये गाना श्रीदेवी पे फिल्म भी बन रही है I don't know anything. Sorry, I'm sorry. I was not in here. Sir, अभी 50 साल हुए. अभी तो लकी बस. सर we are presently I only totally मेरा ये है concept है जो लकी. सर आपके कारकिर्दी को आज 50 साल आज पूरे हुए मतलब आप आज आपने इसकी घोषणा एक मराठी के मंच पे आपने की आज मैं देखिए मराठी मंच के क्या यही तो हमारा देश है यही तो मेरा शहर है इससे मैं बप्पी लहिरी बना इन्होंने कई आशीर्वाद से बना आई एम प्राउड आई एम महाराष्ट्र का धरती पर खड़ा होकर आज बोल सकता हूँ उन्होंने बनाया हमको बप्पी लहिरी बस मैं कभी बोल नहीं सकता हूँ हाँ आई एम बॉर्न इन कोलकाता बट बनाया बप्पी लहिरी को महाराष्ट्र बप्पी जी जल्दी जल्दी हो गया मेरा गाना गाने के लिए टाइम क्यों मैं तेलुगु पिक्चर भी बहुत किया म्यूजिक किया चिरंजीवी का तमिल पिक्चर कन्नड़ा पिक्चर बट मराठी पिक्चर में क्या होता है लैंग्वेज तो मालूम पड़ता है ना थोड़ा देख के गाना पड़ता है और कुछ नहीं है और आई एम वेरी पर्टिकुलर एक लाइन भी अगर कुछ 19-20 होता है फिर से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ नहीं शोधु जरा क्लियर आना चाहिए तो ऐसे ही कोपचा मैं वेरी पर्टिकुलर बिकॉज माय वॉइस शुड बी द वेरी पर्टिकुलर ही आना चाहिए पब्लिक जब सुनेंगे वाह बप्पी दा अच्छा गाया थैंक यू वेरी मच और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आई एम सो टुडे जो ये पिक्चर लकी का पहले फ्राइडे को लग रहा है मेरा वाई चीट इंडिया जिसमें दिल में हो तुम गाना जो मैंने अभी गाना सुनाया तो मैं 2019 को मैं सलाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ बस ये पिक्चर से शुरू हो रहा है दोनों पिक्चर हिंदी और मराठी आई थिंक सो बस आप लोग को आशीर्वाद चाहिए उसके लिए आप लोग को सुनाया दे दे प्यार दे प्यार दे बप्पी दा को प्यार दे बप्पी दा फाइनली बप्पी दा काफी सॉन्ग्स रिक्रिएट किए जा रहे हैं आपने रिक्रिएशन का सॉन्ग गाया आपने
नहीं देखिए एक बात हो गया नहीं नहीं तो तम्मा तम्मा से तो शुरू हुआ तम्मा तम्मा तो मेरा पहला गाना था बद्रीनाथ की दुल्हनिया का रात बाकी बात बाकी इत्तेफाक में तो देखिए गाना जो है ना जो गाना हम लोग बनाया वो गाना है टेस्ट मैच पांच दिन का आज का गाना है वन डे क्रिकेट मैच आज आया तीन महीना बाद भूल जाता है उसके पुराना गाने को लेके रिमिक्स हो रहा है जो एक एक जो हुक होता है ना क्यों दिल में हो तुम आया 30 साल का बाद चीट इंडिया में वाई चीट इंडिया में ये गाना इतना सुपर हिट हो गया आंख मारा आंख मारे इतना बड़ा हिट क्यों हुआ बिकॉज आई वुड का हुक बहुत अच्छा है तो बस हुक के लिए सब लोग ले रहे हैं जी अभी तो एक तो फिल्म का नाम लकी है तो टाइटल से आपको पता चलता है कि ये लकी की स्टोरी है और लकी एक ऐसा लड़का है 19-20 साल का जो कॉलेज में पढ़ता है जो एक्चुअली बाकी उसके दोस्तों के लिए फैमिली मेम्बर और बाकी लोगों के लिए बहुत लकी है पर उसके लाइफ में जब उसको कोई चीज़ बहुत मतलब दिल से चाहिए होती है तब वो लक उसको साथ नहीं देता है और वही है मतलब एक बैड लक की वजह से चीज़ें कैसे बदलती जाती है एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है उससे वो प्यार करता है और उसको प्यार करता है मिसअंडरस्टैंडिंग में से क्या 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 होते जाता है यही फिल्म है हमारी लकी बस अभी ने ज्यादा बोल दिया लेकिन ज्यादा बोल दिया कम बोला था मतलब लेकिन ये बहुत ही आज के जमाने का मूवी है कॉलेज का मूवी है सब लोग रिलेट कर सकते हैं एक सिंपल स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छे और एंटरटेनिंग वे से दर्शाया गया है संजय दादा ने तो दैट्स व्हाट इट्स अ वेरी फन लविंग मूवी लाइट हार्टेड है आपकी डेब्यू मूवी है किस तरह से मिली और क्या दोनों से क्वेश्चन है क्या खास बात लगी इस मूवी की हमें ये मूवी करना ही है इस बारे में बताइए क्योंकि संजय सर की मूवीज में नॉर्मली सिद्धार्थ यादव और फर्स्ट टाइम न्यू कमर्स सरप्राइजिंग है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि संजय दा ने मुझे बुलाया था एक्चुअली मैंने इसके पहले चार लैंग्वेजेस में साउथ मूवीज की है मलयालम किया है कन्नड़ा किया है तो आई थिंक मेरा एक मूवी देख के उनकी टीम से मुझे कॉल आया था एंड मैंने ऑलरेडी संजय दादा का नाम सुना हुआ था क्योंकि मैं मुंबई से हूँ तो मराठी सिनेमा से ऐसे बहुत ताल्लुक है मेरा तो जब मैंने उनका नाम सुना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मीटिंग के लिए गई एक ऑडिशन किया और संजय दादा ने बोला कि मैं ऑलरेडी हूँ लीड लकी की तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड संजय दादा अगर आप बात करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही चिल्ड आउट है डायरेक्टर जैसे नहीं ट्रीट करते यू नो ही डजंट ट्रीट यू लाइक योर एक्टर ही इज अ डायरेक्टर ऐसे फ्रेंडली बहुत है वो तो उनसे बात करना कम्युनिकेट करना बहुत इजी लगा मुझे और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया है और ये मूवी मैंने क्यों चूज़ किया है क्योंकि ये मूवी एक आज के ज़माने का मूवी है और मैंने अब तक ऐसे कुछ किया नहीं है ये फ़न वाला कॉमेडी वाला जोन मैंने ज़्यादातर किया नहीं है और इस मूवी में मुझे बहुत सारे लुक्स है गेटअप्स है तो वो सब कुछ मुझे कोई और नहीं दे सकता था पर संजय दादा दे सकते थे इसीलिए मुझे मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि वो लोग उन्होंने मुझे कंसिडर किया जी मैडम को बहुत सारे लुक्स मिले और मुझे नंगा भगाया है आप देख सकते हैं ये पहली बार हो रहा है कि एक लड़के को एक्सपोज करने के लिए बोला है और मतलब पोस्टर पे एक लड़का एक सिर्फ मेहना की लड़की कम कपड़ों में है तो इनका भी दिखने में आया है जी 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 पर वही है मतलब वो पोस्टर पे नहीं है सर क्योंकि नहीं एक तो और दोनों भी जो सीन है वो मतलब किसी मतलब फोर्सफुली फिल्म में डाले नहीं है अगर कोई स्विमिंग टैंक के पास होगा तो स्विमिंग टैंक में ऑफकोर्स आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाओगे और उसी तरह से मतलब कुछ तो बहुत ही अनलकी सिचुएशन लकी के लाइफ में आती है इसलिए उसका टायर पहन के घूमना पड़ता है तो वो वैसा वाला सीन है कॉमेडी फिल्म हमें लगे बहुत ही कॉमेडी कंप्लीटली एंटरटेनिंग फिल्म है लेकिन सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जब स्टेज पे आए आप जितेंद्र दा ऑलरेडी थे जी 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 जब डांस करने के लिए जी क्या चल रहा था माइंड में और जब आपको मालूम पड़ा किनके साथ डांस करने के पहले से मालूम था नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं था एक तो क्या फीलिंग्स थी एक तो क्या हुआ कि मैं जब बैठा था और जीतू दा अब स्टेज पे आए मुझे देखा था कि उनके पैर को थोड़ा मतलब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल थे थोड़ा उनको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था पर उनको डांस करने के लिए बोला मुझे पता नहीं था ये डांस करेंगे नहीं करेंगे और अचानक से गाना बजने के बाद उन्होंने जिस एनर्जी से शुरू किया तो मतलब मैं थोड़ी मौका छोड़ूंगा यार मतलब मैं भी पूरा कर दिया तो ऑफकोर्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा
बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्में हैं, मतलब हर किसी को लगता है कि हम लाइफ में लकी है या हम लाइफ में अनलकी है, तो लकी ये जो कैरेक्टर है उसके साथ हर कोई रिलेट कर सकता है। आप फैमिली के साथ देख सकते हो, आपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, तो ज़रूर देखिए। हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, आपको सिर्फ टिकट निकाल के थिएटर में आना है, बाकी कुछ नहीं करना है।